हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो है सुबह का टाइम और मैं नहा ली हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं नहा ली हूँ। पहले तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ठंड था और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं काम पे। ये भी अपना शूज़ पहनेंगे और जाएंगे काम पे। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड था, मैं नहा ली हूँ और बस अब फटाफट से करूँगी पूजा। पूजा करने का परी उठ नहीं रही है। आज हम लोग दोनों आदमी उसको उठा उठा कर परेशान हो गए, बट वो उठने का नाम नहीं ले रही है। तो उसको उठाएंगे और पहले पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं हेयर ड्राई करूँगी। उसके बाद धूप बहुत अच्छा आया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो बहुत मस्त वाला धूप है। बस इधर मेरे हस्बैंड चले गए हैं और मैं यहाँ पर फेस में क्रीम लगा रही थी क्योंकि मैं कुछ लगाई नहीं थी। और अचानक से फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा पर्स छूट गया है। तो बस मैं उनको उनका पर्स देने के लिए जा रही हूँ। वो चल के आ रहे थे तो फटाफट से जा रही थी कि उनको पर्स दे दूँ। और बाइक उन्होंने मेन रोड पर ही छोड़ दिया था, जो हमेशा होता है, हस्बैंड लोग कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। तो बस पर्स लेके चले गए और अब मैं करूँगी फटाफट से पूजा। फटाफट से हेयर ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि धूप है। इधर उधर करूँगी, मेरा हेयर ड्राई हो जाएगा। सो परी उठी है बट अभी उसका मूड नहीं है कुछ भी करने का। सो अपना बाहर खड़ी है, मैं फटाफट से हेयर ड्राई करती हूँ। सो मेरा मैंने टॉवल खोल दिया और आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा मैं धोई हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक कपड़ा है मेरा।
तो सारा कपड़ा मैं धूप में दे दी हूँ अच्छे से। मेरे हस्बैंड गए पूजा की, कपड़ा सारा धो के रखी थी नहाने के टाइम में, सबको सुखा दी और बस अब खाना बनेगा। खाना क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता, खाना बनाना है और परी को फ्रेश करूँगी, दूध पिलाऊँगी, ये सब काम है। तो चलिए फटाफट से। सो हेलो, मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत देर से परी को जब तक मैं दूध दूध पिलाई फ्रेश व्रेश की, तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ खाना में, क्या बनाऊँ। तो फाइनली मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मुझे खाना में बनाना क्या। सो सोचा मैं कि आज खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वेदर भी ठंडा ठंडा है और ठंडा में ही खिचड़ी अच्छा रहता है, गर्मी में तो अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है खिचड़ी खाने से, ऐसा हम लोगों का मानना है और तो मुझे नहीं पता। और ठंड में खिचड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी, आलू का सन्ना, पापड़ रहेगा, अचार रहेगा, घी रहेगा। तो ये सब लेके आज हम लोग खा लेंगे खाना, मतलब खाना रहेगा आज हम लोग का दोपहर का। और रात में मैं पता नहीं कौन सा सब्जी, मेरे पास है बैंगन है, फूल गोभी है, आपको धनिया पत्ता टमाटर सब कुछ है, बट अभी अचानक से मन हो गया खिचड़ी खाने का, तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी और रात में देखते हैं कोई सब्जी रोटी कर लूँगी, बट अभी तो फिलहाल मुझे खिचड़ी बनाना है। तो लगाती हूँ हाथ खिचड़ी बनाने में, और सबसे पहले मैं अपने थर्मस में कर लूँ पानी गर्म, क्योंकि मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, मुझे ठंडा पानी बिल्कुल भी मतलब ठंड में पिया नहीं जाता है। तो मैं पहले कर लेती हूँ 1 लीटर गर्म पानी और रख देती हूँ, मिक्स करके पीती हूँ ठंडा गर्म। और उसके बाद बस आप लोगों के साथ बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और मैं बनाऊंगी खिचड़ी। सिंपल सा खिचड़ी होगा, मैं वो मसाला खिचड़ी नहीं बनाती हूँ, उसमें बहुत सारा मसाला डाली, प्याज डाली और इस टाइप का नहीं बनाती, बस सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ। और हाँ, उसके साथ अचार घी वगैरह जो भी लेना है आपको लीजिए, खाइए, सब कुछ है मेरे पास। तो बस फटाफट से खिचड़ी में हाथ लगाती हूँ, और सुबह का जो भी काम वाम था सारा कुछ तो मैं कंप्लीट कर ली हूँ, क्लीनिंग वगैरह मेरा, क्योंकि मैं क्लीनिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर क्लीनिंग शेयर करने जाऊँगी तो मेरा ब्लॉग ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्लीनिंग के साथ साथ बहुत कुछ करती हूँ। तो कभी होगा तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग कुछ भी शेयर करूँगी, जो भी की भी हूँ बहुत टाइम, और बाद में आगे भी करूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं चढ़ाती हूँ खिचड़ी, ज़्यादा बात ना करते हुए। और मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, वो बोल कर गए हैं 2 बजे तक आएंगे, तो अभी बज रहा है 1। तो खिचड़ी मैं जानबूझकर लेट चढ़ा रही हूँ कि गरम गरम बनेगा और खाएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फ़ोन करके पूछूंगी, अगर वो बोलेंगे मैं आने को लेट होगा तो मैं और परी खाना खा लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। खिचड़ी बनाने का मैं क्या सिस्टम करती हूँ मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। जैसे देख सकते हैं आप लोग, चावल ली हूँ मैं, फुल नहीं है, फुल से थोड़ा कम है, और मैं फुल ग्लास लूँगी दाल। आप जब भी चावल और दाल का मतलब अमाउंट सेम रखते हैं ना, तो खिचड़ी बहुत अच्छा बनता है, और दाल कम हो जाने से खिचड़ी मुझे नहीं पसंद। तो बस मैं दाल 1 गिलास भर कर लूँगी और चावल आधा, मतलब थोड़ा सा इतना सा कम है, तो ये मैं चावल डाली और मैं डालूँगी दाल। ठीक है, मैं निकालती हूँ दाल। लाइट ऑन नहीं था, मैं लाइट ऑन कर ली हूँ बोलकर थोड़ा क्या बोलता है आपको, अलग टाइप का आ रहा था, मैं बोलूँगी अजीब टाइप का क्यों दिख रहा है। तो मैं किचन का लाइट ऑन नहीं की थी, भूल गई थी लाइट ऑन, जस्ट खिड़की ऑन था, खिड़की खुला था। सो अभी लाइट ऑन करती हूँ फटाफट से। मैं कुकर में बनाती हूँ खिचड़ी, तो फटाफट से चढ़ाती हूँ कुकर और स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं सबसे पहले आलू बॉयल चढ़ा देती हूँ, 2 कुकर चढ़ाऊँगी, छोटे वाले कुकर में आलू बॉयल और बड़े वाले कुकर में खिचड़ी। छोटे वाले में आलू बॉईल दे देती हूँ। तो इस कुकर में मैंने चढ़ा दिया है खिचड़ी, और यहाँ चढ़ा हुआ है आलू। सो ये आलू हो जाए और ये खिचड़ी हो जाए, उसके बाद मैं जब तक मैं अपना हेयर कोम कर लेती हूँ, बहुत देर से नहीं किया है और ये सीटी मार रहा है, उसके बाद मैं इसका कर रही हूँ इसका मसाला रेडी, जो मैं डालूंगी प्याज और कच्चा मिर्ची आलू के सन्ना में। और कुछ बर्तन है मेरा जो मैं धोई नहीं हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम का, उसको वॉश करना है। सो बस
चाय लेकर बैठी हूँ और शाम का टाइम हो गया है, चाय लेकर बैठा बैठी हूँ, चाय पीऊँगी और परी को पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए भी हाँ लो, पढ़ाने के लिए भी मुझे उसको लेकर बैठना है, पढ़ाने के लिए लेकर बैठूंगी। और जो भी आपके साथ शेयर कर पाई कि उस टाइम में मैं अपना कोम्ब कर रही थी तो मैं चोटी बनाई, ना चोटी किया मैंने और अभी चाय पी रही हूँ। आज का ब्लॉग बस ऐसा ही था। और रात में मैं क्या खाना बनाऊंगी तो मेरा भी कोई ठीक नहीं है, मैं पूरा हर कुछ लेके अपना बोलता है ढलान टाइप का बना कर बैठी हूँ। तो मैं रात में क्या बनाऊंगी, सिंपल सा कुछ रोटी भुजिया सब्जी रोटी इस टाइप का बनेगा। और तो मेरी बेटी बात ही नहीं करने देती है, जब भी मैं बात करने के लिए बैठती हूँ इधर उधर बैग इतना करने लगती है। तो बस आज का दिन तो मेरा ऐसा ही गया, ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। और तबीयत जब तक मेरा ठीक नहीं होता है थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और अब तो फिर से हम लोग थोड़ा ज़्यादा बाहर आना जाना जो कर रहे थे वो फिर से बंद हो गया है, क्या कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन चलेगा वैसे ही चलना पड़ेगा, सब कोई चलते हैं, मैं क्या चलती हूँ सभी चलते हैं। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहना है, मास्क यूज़ कीजिए एंड सैनिटाइज़र तो ज़रूर यूज़ कीजिए, जब भी आप यूज़ कर सकते हैं आपको हैंड सैनिटाइज करते रहना है। और तो क्या है कि बस सिंपल लाइफ चलता है मेरा, जो चलता है मैं वही दिखाती हूँ। मेरे लाइफ में कुछ भी मैं एडिट नहीं करती हूँ, उसमें कुछ भी अलग से आप लोगों को इंटरेस्ट आए इसलिए उसमें अलग से कुछ एड नहीं करना चाहती हूँ। जो मेरा सिंपल लाइफ चल रहा होता है, आज मैं हेयर वॉश की तो हेयर वॉश दिखाई, मैं कोम करती हूँ कोम दिखाती हूँ, जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। कहीं घूमने गई नहीं गई, कहीं घूमने गए तो क्यों गए, कहाँ गए, सब कुछ आप लोग साथ होता है। हाँ मैं कहीं गई अगर कैमरा नहीं ऑन कर पाई या कुछ वजह से कुछ नहीं हुआ तो बात अलग है, नहीं तो मैं हमेशा हर कुछ आप लोग को अपने लाइफ का दिखाने की कोशिश करती हूँ। बट जो होता है वो कुछ भी अलग से मतलब बना कर होता ना, कि नहीं इंटरेस्ट आ जाए ब्लॉग में तो कुछ बना कर बोल देती हूँ, कुछ अलग करके दिखा देती हूँ, तो बनाने के हिसाब से। और टाइटल भी मेरा जो वीडियो जिस हिसाब से रहता है, जिस सेंस में होता है, मैं वैसा ही देखा बनाती हूँ, जो दिखता है वही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है या फिर जो होता है वही दिखता है, अलग कुछ नहीं होता है कि मैं अलग से कुछ इंटरेस्टिंग दे दी टाइटल, आप लोग जाके झट से उसको ऑन किया देखा, उस टाइप का नहीं है। तो आप लोग को ऑनेस्ट मेरा जो भी ब्लॉगिंग होता है, जो मेरे हस्बैंड जैसे है वही दिखाती हूँ, बेटी जैसी है वैसे ही दिखाती हूँ, मैं जो वही दिखाती हूँ। और जहाँ तक बोलूँ कि और भी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे 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 कि मैं अपने ब्लॉग को और इम्प्रूव करूँ और उसको एक अच्छे से सजा कर आप लोग को दिखा पाऊँ मेरा ब्लॉग। बस आप लोग देखिए, साथ दीजिए, इसी तरीके से साथ रहिए और समय के साथ मैं हर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ अपने ब्लॉग को भी, और कोशिश करूँगी कि हर अल्टरनेटिव डेज पे जैसे पहले डाल रही थी डालूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गैप गया है ब्लॉगिंग में, बहुत ज़्यादा गैप गया है, वो गैप मैं अब नहीं करना चाहती। सो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट डे कभी बात करूँगी अच्छे से। फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। और बस ऐसे साथ बने रहिए और हमेशा मेरा साथ देते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।